तभी मेरे हाथ में इतना सारा सामान है, पर यहाँ से व्यू देखिए कितना मस्त है। तो अभी बजे है 10, तो अभी हम रेडी हो चुके हैं। अभी मेडिसिन ली थोड़ी बहुत, इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आराम भी किया इसलिए बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं ले घूमने के लिए। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, आई होप यू आर नॉट डूइंग वेल। तो ये मेरा भाई रेडी हो रहा है, मेरी फैमिली तो नीचे चली गई है, वो रेडी हो गई है, तो मैं नीचे चलता हूँ। आज का व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब ले सिटी अब घूमने जाने वाले हैं। तो यहाँ से पूरी ले सिटी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे देखिए माउंटेन कितने मस्त है। तो अभी हम आए हैं शांति स्तूपा में, अभी ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे है पार्किंग, और अभी यहाँ से जाना है। मेरा व्यू कैसा लगा? देखो यहाँ से व्यू कितना मस्त दिखाई दे रहा है। तो मेरे पीछे है शांति स्तूपा, तो वहाँ पर अभी चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन पर जाएंगे। और रोड देखिए और यहाँ के माउंटेन देखिए कितने मस्त है। तो हम आ चुके हैं शांति स्तूपा में, यहाँ पे काफ़ी शांति है और बहुत मस्त है ये स्तूपा। और यहाँ पे देखिए माउंटेन, और ये देखिए बहुत मस्त है ये, और ऊपर से देखिए व्यू, और ये है बर्थ, बहुत मस्त है ये। अभी यहाँ से अभी व्यू आपको मैं दिखाता हूँ कितना मस्त है। देखो हम यहाँ से आए हैं, ये है टेंपल सिंस 1985, बहुत मस्त है। अभी ये टेंपल के अंदर चलते हैं और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। चलो अभी अंदर चलते हैं, बहुत शांति है यहाँ पे। सेलिब्रेशन ऑफ कारगिल 20 इयर्स, और ये है टेंट। देखिए क्लोथ्स देखिए इनके, और ये सब यूज करते हैं वो लोग, स्पेशल इक्विपमेंट है ये। तो ये है ऑक्सीजन सिलेंडर, और ये है स्ट्रेचर, देखिए ऑक्सीजन का ये सारा सामान। तो ये हॉल ऑफ फेम के पीछे का साइड, और सामने देखिए इंडियन फ्लैग। तो ये है टिकट काउंटर, और ये है हॉल ऑफ फेम। हमारा गाइड बहुत कॉमेडी कर रहा है आज। और ये हॉल ऑफ फेम का एंट्रेंस, ये वो हथियार है, वो बारूद है, वो ट्रेन है जो 99 में कारगिल युद्ध में वॉर हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इसी में ये सब इस्तेमाल हुआ था। तो अभी हम आए हैं संगम में। तो यहाँ पे दो रिवर मिक्स होती है, एक रिवर है इंडस रिवर और दूसरा रिवर है चास्का रिवर। तो यहाँ पर रिवर राफ्टिंग भी होती है। अभी आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है पार्किंग। मेगा बहन तो चली गई, मेगा बहन कैसा लगा? मस्त था ना। एक इंडस रिवर और एक चास्का रिवर, एक इंडस रिवर और दूसरी चास्का रिवर। देखो यहाँ का पानी दोनों मिक्स भी नहीं हो रहा इस साइड से। देखो ये ग्रीन वाटर और ये ब्लैक वाटर, अब ब्लैक वाटर देखो वहाँ पे जा रहा है, और ये ग्रीन वाटर यहाँ से आ रहा है। तो अभी हम आए हैं मैग्नेटिक हिल्स पे, और वहाँ पे तीन लाइन ड्रॉ की, वहाँ से अभी आपको कार अभी रिवर्स में रखनी है और वो आगे चली जाएगी। और यहाँ पे है कैफे, तो यहाँ पे बाइक राइडिंग भी होती है। तो यहाँ से बाइक राइडिंग स्टार्ट होती है, ऊपर तक जाना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से ऊपर तक, और फिर से आ जाना है। तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? हम जाएंगे गुरुद्वारा, इसके बाद ऊपर शायद मंदिर होगा। हाँ, और यहाँ पे लंगर कब लगता है? लंगर लगता है शाम के टाइम या दोपहर के टाइम। ओके, और यहाँ पे और देखने के लायक क्या है? देखने के लायक आपने अभी अभी तक देखा वो सब तो देख लिया, अभी तो हमारे पास बाकी है गुरुद्वारा साहब, यहाँ साहब का बहुत कुछ, आप खुद जाके देख लीजिए, इससे बेहतर मजा आएगा देखने में।
आपके साथ तो बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। मुझे आप चाले की भाई के साथ तो बहुत ही मजा, बहुत देख। गुरुद्वारा में ऐसे दर्शन करके आ चुके हैं तो यहाँ पे है हिल, आप ऊपर भी जा सकते हो, काफ़ी ऊपर है ये, और यहाँ से जाना है, देखो काफ़ी हाइट पे है। यहाँ से आए, अभी ऊपर चढ़ना है और यहाँ पे अभी आप ये डॉग देखो कितना मस्त है, और ये हमारा गाइड और ये होमलेस अभी रील शूट कर रहे हैं, देखो 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 पोज, देखो बिहाइंड द सीन। चलो अभी अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये मॉनेस्ट्री, यहाँ के डॉग काफ़ी मस्त है। ये देखो दूसरा डॉग आ गया, हाय। तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं तो अभी मेरा गाइड आप सबको ये बताएगा ये मॉनेस्ट्री के बारे में। हेलो, मेरा नाम जाफर अली, आई एम फ्रॉम कारगिल। हम अभी पहुँचा है मॉनेस्ट्री, जो एक मॉनेस्ट्री जाना एक मॉनेस्ट्री है। उस मॉनेस्ट्री में आप क्या बोलते हैं योगा भी कर सकते हो, जिसी का आपने देखा मेडिटेशन है बिल्कुल एकदम। और यहाँ भी मतलब योगा करना सबसे मेन इम्पोर्टेंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इंसान के अंदर से मतलब क्या होता है फिजिकली मेंटली फिट होता है। यहाँ पे इस मॉनेस्ट्री में आके लोग यहाँ पे आके और यहाँ पे लोग ये क्योंकि जो बड़े बड़े फेस्टिवल होता है आपको पता है यहाँ लोकल के फेस्टिवल होते हैं, बड़े बड़े त्यौहार आता है या पूजा आता है उसमें ये तेल वेल चला के पूजा करते हैं। यहाँ जो बड़े बड़े लामा होते हैं हमारा जो मोंक होते हैं ना मोंक, वो यहाँ पे आके पूजा कुछ करते हैं, इसलिए यहाँ पे तेल मोमबत्ती जो वगैरह वगैरह पूजा में कम आती है। और इसके अंदर मेडिटेशन हॉल भी है, हाँ मेडिटेशन हॉल भी है, और ये बहुत ही बढ़िया बहुत ही एक नंबर का जगह है। और यहाँ से हवा कितनी मस्त चल रही है देखो गाइस, ये तो मुझे पूछूंगा क्योंकि मैं यहाँ के लोकल हूँ। हम आए हैं कौन से मॉनेस्ट्री, ठीक से मॉनेस्ट्री भाई, ठीक से मॉनेस्ट्री। एक देखो फोटोग्राफर, चलो अभी ऊपर चलते हैं और ये मॉनेस्ट्री में आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम आए हैं ठीक से मॉनेस्ट्री और यहाँ से व्यू काफी मस्त आ रहा है, मेरे पीछे देखो माउंटेन्स और यहाँ पे है स्नो माउंटेन्स, और यहाँ पे पानी काफी स्नो हो रहा है क्योंकि हम काफी हाइट पे चल रहे हैं, इसलिए अभी बहुत प्यास लग रही है। तो अभी ऊपर चलते हैं और आपको मैं ये मॉनेस्ट्री दिखाता हूँ। तो ये है मॉनेस्ट्री, अभी अंदर चलते हैं। तो ये है ठीक से मॉनेस्ट्री, तो मैं होटल रूम में आ चुका हूँ घूम के, लेह में घूम के काफ़ी ज़्यादा मज़ा गया। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी या। राजमा चावल का नाम सुना था, राजमा चावल का नाम नहीं सुना मैंने।